अगली बड़ी खबर, दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तैयारी के लिए आज सीएम केजरीवाल दोपहर के 12 बजे सिविल डिफेंस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही दिल्ली में सीएनजी गाड़ियों में स्टिकर लगाने का काम भी लगातार जारी है। सीएनजी स्टेशन पर मुफ्त में स्टिकर्स बांटे जा रहे हैं। कल शाम 6 बजे से ही ये स्टिकर्स बंटने शुरू हो गए थे। ये स्टिकर सिर्फ उन गाड़ियों को मिल सकते हैं जिनकी आरसी में सीएनजी दर्ज है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्कूलों में भी गए, उन्होंने बच्चों को शपथ दिलाई सुबह सुबह, जिसमें ये कहा गया, शपथ में कहा गया कि वो अपने माता पिता को प्रदूषण करने से रोकेंगे। तो नए साल से पहले केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस में सुलह भी हो गई है। अब दोनों मिलकर राजधानी में ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करेंगे। कल तक एक दूसरे पर बरसने वाले पुलिस कमिश्नर बीएस बसी और परिवहन मंत्री गोपाल राय साथ बैठे तो मतभेद खत्म हो गए और बात बन गई। दिल्ली में सीएनजी से चलने वाली कारों पर स्टिकर लगाने का काम शुरू हो गया। जिनकी कार में कंपनी फिटेड सीएनजी है, उन्हें सीएनजी स्टेशन पर स्टिकर मिल रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने सीएनजी वाली गाड़ियों को ऑड इवन फॉर्मूले से छूट दी है, यानी ये गाड़ियां रोजाना चल सकती हैं, लेकिन सीएनजी स्टिकर लेने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहली बात, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में सीएनजी दर्ज होनी चाहिए। सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ये भी जान लीजिए कि सीएनजी स्टिकर के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। क्या कुछ आपसे दस्तावेज मांगे गए थे जब आप सुबह यहाँ पर सीएनजी भराने के लिए आए थे? दस्तावेज के तौर पर इन्होंने आरसी मांगी थी, जिसपे आरसी के ऊपर सीएनजी चढ़ी होनी चाहिए। ये इन्होंने मैंडेटरी कहा है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का रूल, जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंगली। इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के साथ मीटिंग की। वॉलंटियर को लेकर दोनों में पिछले दिनों जो जुबानी जंग शुरू हुई थी, दोनों एकमत दिखे। मीटिंग में तय हुआ कि करीब 5,000 वॉलंटियर्स दिल्ली पुलिस को दिए जाएंगे। किसी सरकारी महकमे के साथ ही काम करेंगे, प्राइवेट लोग वॉलंटियर्स नहीं होंगे, सिर्फ सिविल डिफेंस के लोग होंगे। जो भी वॉलंटियर होगा वो किसी न किसी सरकारी अमले के साथ में ही काम करेगा, उनकी डायरेक्शन पे काम करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब वो समस्या आएगी कि वॉलंटियर किसी आम नागरिक को कोई तकलीफ पहुंचा सके। 31 तारीख को सुबह जो है 9 से 11 फील्ड में किस चौराहे पर किसको लगाया जा रहा है, पूरा चार्ट फाइनल करके उनको वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। दिल्ली से गीतम श्रीवास्तव के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज़।